अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गए जी आज के न्यू व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ जी, व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, वो ज़रा ज़रूरी काम थे एक दो उसकी वजह से। तो आज मैं हाजिर हूँ। आप लोगों को मैंने बोला था कि जब हमारी गंदम काटी जाएगी तो आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाऊँगा कि क्या सीना है, कैसे कटाई होती है। ये देखें जी, ये फ़िलहाल हमारी ये नहीं है, वो वाली है। तो मैं अभी चल के ना आपको वो भी दिखाऊँगा। तो अभी मैं उधर शोर था ना उधर, तो इसलिए मैं इधर आ गया हूँ कि ज़रा आप लोगों से पहले अच्छी तरह बात कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि क्या सीन है। यार एक तो ये जो है ना, ये बहुत ही मतलब हार्ड है, तो इसकी वजह से पाँव में ये लग रहा है, बार बार जख्म हो रहे हैं, इस वजह से चलना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी मैं हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि ये पहले गंदम होती है इस तरह की। काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन कुछ शायद भाई ये बहन होंगे जिनको नहीं पता होगा कि कैसे सीन है, क्या सीन है। नहीं, ये देख पहले इस तरह की होती है, ठीक है। तो उसके बाद ये काट के इस तरह बांधी जाती है। तो इसके बाद वो मशीन लगी हुई है, थ्रेशर इसको कहते हैं। इसके साथ ये देखें, यहाँ पे ना गंदम के दाने जो हैं वो अलग किए जाते हैं, और तूड़ी जो कहते हैं जिस जानवरों को चारे के तौर पे इस्तेमाल की जाती है वो अलग की जाती है। तो ये यहाँ पे ये चापरा लगा हुआ है, ये भी तूड़ी बना रहा है। वो एक होता है पड़ोला, पड़ोला कहने वो भी ना कनक बढ़ता है, तो उसके बाद चापरा बजता है, जो भी तूड़ी बनती है। वेखो किंज धूड़ निकलती पे, बहुत मुश्किल काम है। गर्मी बहुत ज़्यादा कसम है साड़ी गलों दो तो जो कम लगे ना ना की बनता है, मैं तो फिर भी वेला। तो चलो चलने दम जाग बहाने सीन, लेट्स गो जी। मैं अब आ गया हूँ ये मशीन के पास, ये देखें ये उठा उठा के लेके जा रहे हैं उसके पास। एक बंदा उधर ही होता है, वो उसके अंदर डाली जाता है, ये देखें ये। तो यार आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो, हर एक न्यू वीडियो जो भी आए वो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप देखते रहें कामरान व्लॉग। तो चलिए ये देखें, आप लोगों को सारा दिखाता हूँ। उसके पास जाऊंगा ना तो थोड़ी आवाज़ कम आएगी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो शोर है ना वो रिमूव कर दूँ। इसलिए ये देखें, ये उठा उठा के लेके जा रहे हैं। चलते हैं, ये हनार भाई भी आ गए हैं बड़े दिनों बाद। यार बड़ी मुश्किल टू रह जाता कसम है, मेरे को पाया मेरे तो गिटे जड़े ना जख्मी हो गए ने, भा बूटा लगे हुए ना पिंड के भा बूटा साहब। चलो जी अगे चलिए, लेके आ गया लड़का। और ये ये देखें जी, ये है जी पिंडा वाले ब्रांड। ये हमारी जमीन है जी, ये वाली ये देखें। हाँ हाँ, वैसे धूप निकली हुई है, गर्मी भी है लेकिन हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो फिलहाल तो आराम ही है। चलिए आप लोगों को मैंने ये सब दिखा दिया, ये देखें ना भी लगे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर ना आया, आज ही इतवार है, अगर आज ना आया ब्लॉग तो कल आएगा। यार यहाँ पे असल में ना नेट बहुत स्लो है, इस वजह से दिल नहीं करता इतना ज़्यादा के ब्लॉग अपलोड किया जाए, क्योंकि उतना यार ब्लॉग बनाते मेहनत नहीं होती जितना अपलोड करने में मेरी मेहनत लग जाती है, क्योंकि नेट ही नहीं चलता। ये मेरा गाँव है ना सामने, और वो टावर लगा हुआ है इधर, ये देखिए ये टावर लगा हुआ है, फिर भी नेट इतना स्लो होता है कि मुझे गाँव से बाहर निकल के वहाँ पर जाना पड़ता है आधे रास्ते पर, जहाँ पे थोड़ा सा जाके नेट चलता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, मेरी वीडियो देखी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर तो यार आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना, बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि
मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।